नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में, जो ZXi वेरिएंट से, और ये मिडनाइट ब्लैक में है सामने आपके। और साथ ही मैं इसका अपडेट भी आपको बता दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या अपडेट मिल रहे हैं और क्या क्या इसमें नए बदलाव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लुक्स और डिज़ाइन सब सेम ही है BS6 फेज 2 में, और इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं किया गया है, और टेक्निकल भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। इंजन में कुछ एक्स्ट्रा नॉर्म्स लगाए गए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, और बाकी सब सेम ही आपको मिलेगा प्रीवियस मॉडल जैसा। और ये नई कलर है ब्लैक कलर में, इससे पहले अभी BS6 में ब्लैक कलर नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये ब्लैक कलर में भी आ रही है, और ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत ये कार लग रही है। और इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन BS6 फेज 2 मिल जाता है, जो एडवांस के सीरीज ड्यूल जेट VVT इंजन लगा हुआ है इसमें, जो 89 PS का पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM में, और 130 Nm में टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM में। और इसमें आपको पावर स्टेयरिंग का मिल जाएगा आपको स्टेयरिंग, और टच स्क्रीन का इसमें आपको फुल टच स्क्रीन मिल जाता है, इन्फो सिस्टम। और यहाँ पे आपको रियर व्यू मिलेंगे, और इसमें आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाते हैं, वो भी फुल्ली सिंक्रोनस गियरबॉक्स, और 1 रिवर्स। टोटल इसमें आपको 6 गियरबॉक्स मिलने वाले हैं। वहीं आप सीट में आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और सीट कंफर्टेबल है पहले से, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट। और यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए गए हैं, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑफ स्विच मिलेंगे, और डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर दोनों कंबाइंड सिस्टम है। और यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल मिल जाएंगे स्टेयरिंग व्हील पे, और पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और उसके साथ सीट में आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, जैसा कि ये टॉप मॉडल है इसमें। और चारों इसमें पावर विंडो मिल जाएंगे, और ORVM भी आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, पावर एडजस्टेबल आप बटन से एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद इसमें आपको पीछे भी पावर विंडो मिलेंगे, जैसा कि ये टॉप मॉडल है, और उसके साथ इसमें आपको एलॉय व्हील मिलेंगे, और एलॉय व्हील में आपको ABS इसमें आपको मिल जाते हैं सेफ्टी में। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, उसके साथ आपको इसमें फॉग लैंप भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि ये टॉप मॉडल है। और टेल लाइट भी आपको इसमें LED टेल लाइट मिलेगा। और उसके बाद इसमें बूट स्पेस आपको 268 लीटर का मिलने वाला है, और इस कार की कर्व वेट 875 kg है, और GVW 1335 kg है, और इसका टर्निंग रेडियस सर्कल 4.8 मीटर है, माने 4.8 मीटर के अंदर ये कार 360 डिग्री में घूम जाएंगी। और उसके बाद इसमें आपको पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, और इसमें जो फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलेगा वो मैकफर्सन स्ट्रक्ट सस्पेंशन मिलेगा, ये सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल रहता है फ्रंट में, जो ये मैकफर्सन स्ट्रक्ट टाइप सस्पेंशन है। और रियर में टोरिसन बीम रहता है नॉर्मली, जो सभी मारुति सुजुकी की गाड़ियों में आती है। और एलॉय व्हील साइज इसमें आपको 15 इंच का मिलने वाला है, और इसमें आपको C8 का टायर मिल जाएगा, MRF का टायर मिल जाएगा, और अपोलो का टायर मिल जाएगा, 3 कंपनी के टायर आपको इसमें अवेलेबल होंगी। और फ्यूल टैंक इसमें आपको 37 लीटर का मिलने वाला है फ्यूल टैंक, और इसमें आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगे, रूफ रेल्स के लिए अलग से आपको एक्सेसरीज लगवाना पड़ेगा। और आगे की तरह इसमें आपको थोड़ा सा क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है सुजुकी लोगों के नीचे, और इसमें
और भी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, अलग अलग मॉडल में अलग अलग आपको कलर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ये ब्लैक कलर ZXi और ZXi प्लस दो मॉडल में ही अवेलेबल है, जो टॉप मॉडल है स्विफ्ट की। और फाइनली हम लोग इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये 8.34 लाख एक शोरूम प्राइस में अवेलेबल है। इसके बाद आपका RTO चार्जेस और इंश्योरेंस वगैरह लेकर आपको 9.5 लाख पड़ेगा, 9.5 लाख से 10 लाख के बीच इसका प्राइस पड़ने वाला है टॉप मॉडल का। और मारुति सुजुकी के तरफ से आपको इजीली फिनांस है, आराम से फिनांस हो जाते हैं। और उसके बाद इसमें जो EMI टेन्यू रहेगा वो 5 साल 7 साल रहेगा मैक्सिमम। और जैसा कि ये टॉप मॉडल है इसमें आपको पीछे भी वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, और जो इसका ORVM मिरर है वो बॉडी कलर का मिरर है, और टर्न इंडिकेटर ही आपको ORVM पे ही मिलेगा। इसके चलते ये गाड़ी का खूबसूरती और बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।